अब देख, अब देख कब लट्टू आवत है। हाँ चले सही सही सेवा कहते। अरे कहानी कहते सेवा कहते कब मौका न मिली तो मर जाए जल्दी से छुट्टी पाई हम हमारी छाती में रहता हूँ दर्द छुया दही जा रहा हूँ अगर छुए तो तुम्हारा मार्टिन दे दिया भाई एक कौन सहारा कौन दीना अब सुन उठ रे उठ आजा तो खबर पड़ी यार हाँ रुक जा भाई से खड़ी रहना चाहे लात मार सुन मेरी बात को तो मेरी बातों को रेखा और सुनो ध्यान से मेरी बातों घर पे तुझको आज जाए के पनघट पर जाए के सब कपड़ा जत्ता हवा गंदा है साफ है के अच्छी तरह से और है सुन लियो और साबुन और निरमा कुछ दी है ना या जाऊं तरह साफ करी अपने हाथ मल मल के हाँ तो है हमका माँ जी मैं आप कहती हैं पानी भर के लाओ पानी भर के मैं कैसे ला सकती हूँ जोड़ती हूँ जा जा करके कपड़े लेके आ माँ जी जाई कहे ना ये कहे ना जाओ आप माँ जी आप मैं सोच ले भाई तो जाइए ना हाँ ना जाइए हाँ अब आए तुम हम राउ छोवाई चले अब भाई ना जाइए दरबारियों जा जा कर कपड़े लेके आओ एक कहानी कंचौती करते हो ना जाइए माता
तरुण की जितने हो कब लाके मुझे दीजिए सेवा करूंगी। सेवा करिए चल ठीक है। अंधी हूँ तो क्या हुआ? अच्छा चुप रहो चुप। अब जो भी कहेंगे मैं करूंगी। हाँ करिए तो हम जाने थे। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी। आप जो कहेंगे मैं सो करूंगी। अच्छा अच्छा। अरे कपड़े धोने की बात क्या है? मैं तो आपकी औलाद हूँ। मैं कपड़े क्या? अरे तो कौन औलाद है? खाली लागत है औलाद तक। माँ खाली कौशल बेटा खाली और कौन नहीं है। कमी न कहेगा, ये कोई बताने वाली चीज है। ए ते जुतिया उतारते और जब तोरे सहू नहीं ना देखा था आंखें नहीं दी था। हां तू देवर तू पहन के चली है। हां हियां देखा जब से रात दरबार में ने देखा था इंदिरा की जूती का पंगो नहीं भाई। हां देखा था तू पहन के चली है। हां कौन ही कहती आओ कहां हमें मुहाना बताई दे। राजा बच्ची राजा मर के दो जूती ले आए। मम्मी आप डल्ला अब आगे है मार फटाका आंखें है ना पोर मार तो कहानी है तो खुद है निकाल रहा हूं ये कर रही है ये कर रही है। कैसी लग रही है? कैसी लग रही हूँ? और हाँ रेखा जाओ कपड़े ले जाओ और जाकर के पनघट पे धो करके और मेरे लिए खड़ा जल लेके आना क्योंकि मैं नहाना धोना है ना। जाओ जा बिटिया रानी जाओ जाओ। जा चुप्पे से और साफ कह के पूरा घड़ा लेके आओ कपड़ा में को दाग ना लागे जो बहन की राय से कपड़ा है। अरे अरे सोच समझ लिया ना तो बहन अच्छा है दरबारियों इसके साथ नहीं जाना अब मैं जा रही हूँ ठीक है और थोड़ा मुझे नहाना है ना थोड़ा कपड़े बदलना है। Thank you.
या भगवान, ये गट्ठर तो दे दिया, गट्ठर तो मिल गया, लेकिन घड़ा ना जाने कहाँ छोड़ गया, घड़ा नीचे छोड़ गया। मैं घड़ा को उठा लूं किसी तरीके से, लेकिन मुझे पनघट के तट पर कौन ले जाएगा? मैं तो अकेली जा नहीं सकती, और बगैर पनघट के तट पर पहुंचने से मैं कपड़ा नहीं धो सकती। हे भगवान, यहाँ अभी वो दोनों होंगे, निरहु भैया, चैतु भैया, कहाँ हो भैया? चैतु भैया, निरहु भैया, कहाँ हो? दूजने साथ जानन बिट्टी, बिट्टी आप लोग मेरी मदद करिएगा। बच्चे मदद ना कर पावे के लिए मालकिन मना कर रहे हैं, थोड़ी सी हेल्प कर दो। ठीक है बिट्टी, तुम कह रही हो तो हम लोग मुझे मदद कर घर तक पहुंचा दो, बस पहुंचा देंगे। लेकिन तुम्हारी बच्चे हमका सका परेशान ना करो, तुम ऐसे चले जाओ। तुम देखा तो हो कितना सारी परेशान करे थे यार मलकी निवाय यार बिट्टी का बात जान लिया ओढ़नी मेहरारो जान लियो भाई से अब जबरदस्त छिनार होबो करा थे रे साले हमका तुमका का करेगा है यार। लेकिन चलो रेखा बिट्टी को पनघर तक पहुंचा देते हैं। हम जाए बाबा चलो छोड़ के आवा जाए, अभी महारानिया नहीं है। चलो हम तुमको पनघर तक छोड़ देते हैं। नहीं, पनघर तो छोड़ोगे, लेकिन एक शर्त होगी। क्या बच्ची? निरहु भैया, कहिए राजकुमारी, तुम मम्मी के पास जाओ। हाँ। तुम छोटे हो या बड़े हो, तुम्हारी उम्र कितनी मुझे नहीं मालूम। बच्चे को देख नहीं पाती, आप आके पूरा मन से डूबा है। यही तो अफसोस है, यही अफसोस है कि भगवान ने मुझे सूर किया है। लेकिन मैं मन की आंखों से देख करके कहती हूँ कि तुम बहुत सच्चे इंसान हो, और हमारे चैतु भैया बहुत सच्चे इंसान है। निरहु भैया, आप जाओ मम्मी के पास, मम्मी को बातों में भयभीत कर देना, और चैतु भैया हमको पनघर तक पहुँचा देंगे। तुम बच्चे के ले जाओ, छोड़ आओ, हम मलकिन ले जाते हैं, पास ही हो जाओ। तुम मलकिन के पास जाओ, तलवार रहो, चाय ले आओ, पानी लाओ, बिस्कुट लाओ, हेन तेन मिलेगा, तब तक हम बिट्टी को पहुंचा दे भाई। आज चलो बच्चे, भगवान ने मुझे न जाने कैसे क्या बना दिया, कोई भरोसा नहीं है जिंदगी का। कि कहो तो पैदा इंसान होता है, औरत होती है, बस फर्क इतना होता है कि किसी को पैदाइशी लूला बना देता है भगवान, किसी को अंधा बना देता है, किसी को बहरा, लेकिन कोई कोई बीच में हो जाता है, ये भगवान की अपरंपार लीला है। आईसी ओसो बीज, इंसान जैसा बीज बोता है वैसा बीज काटता है। ना मैं पढ़ सकती हूँ ना लिख सकती हूँ, लेकिन बस सुन करके वही मैं कह सकती हूँ। आज भगवान एक बार बनाता है तो एक बार बिगाड़ता है, और बिगाड़ता है तो फिर वो बनाता है। उसकी लीला किसी को नहीं मालूम। कर्म करने से, चैतु भैया मैं तो यही जानती हूँ कि कर्म करने से भाग की रेखाएं मिटती हैं। ठीक कहती हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोई भी हो, वो किसी भी जाति का इंसान हो, किसी भी धर्म का इंसान हो, कर्म करने से भाग की रेखाएं मिटती हैं। जैसे हम सब कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। ठीक है, बना के क्यों बिगाड़ा, thank you.
बना के क्यों बिगाड़ा शबासत गौरीगंज। इस सीन को देखते हुए, दशा को देखते हुए 101 रुपया का पुरस्कार म्यूजिक रेडी मास्टर। जो तुझको मन चोरी नहीं था फूल खिले इसी गुलिस्तान में। और आगे हमारे कंपनी मालिक विश्राम पश्चिम रानीपुर लगा 50 के नोट में। सीन को देखते हुए 20 रुपए का इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद।
हम तुमको पनघट पे छोड़ देते हैं, फिर हम चले जाएंगे, नहीं तो मालकिन हमको बहुत मारेंगी। आज कितनी दूर है यहाँ पे? ठीक है, तो हंसों का जोड़ा बिछा ले आज दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया, दोनों नयन दो हंस हैं, जहां हंस जाते हैं जोड़ा जाते हैं। आज एक हंस जाता एक आंख हंस जाती तो एक आंख से मेरे दिखाई पड़ता, लेकिन मेरे दोनों हंस चले गए। दो हंसों का जोड़ा पिछड़ गए रे, जुल्म भयो भगवान, अब मैं पनघट के करीब आ गई हूँ या नहीं आई मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन चैतु भैया ने बताया कि तुम पनघट के करीब हो, सामने जाओगे तो बस पानी भरा मिलेगा। बस 6 कदम बताया था, 4 कदम मैं चल के आ गई हूँ, 2 कदम बाकी है, 2 कदम मैं चलूंगी तो सामने पनघट मिलेगा। अब इस पनघट के मैं स्थान पे आ गई हूँ और मैं अपने नंदलाल मुरली वाले को याद करूंगी। हो सकता है मुरलीधर कन्हैया मेरी नैया को पार लगा दे।
हे मुरलीधर कन्हैया, मुझ अभागन को अपने दर्शन दे करके अपनी अंतरात्मा की शक्ति से, मन की शक्ति से मेरी मन की आंखें खोल दे और मुझे इस पनघर से लेकर के मुझे महल तक पहुंचा दे। मेरी यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मैंने श्रद्धा से, मैंने अंतर आत्मा से आपकी आराधना की है। हे कृष्ण मुरलिया वाले, मेरी मन की मुराद पूरी कर दे। कि मोहे पनघट आज कसम है, हे मोहन मुरलिया वाले तुम्हें कसम है, हे कृष्ण मुरारी तुम्हें कसम है उस राधिका की, तुम्हें कसम है उस राधिका की जो तुम्हारे लिए बदनाम हुई और तुम्हारे लिए ता जिंदगी वो आपका इंतजार करती रही। उसी तरीके आज मैं आपकी आराधना करती हूँ, मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दे। कि मोहे पन घट बिलम बिलाल चले गौरी, मोहे पन घट पे नंद लाल चीन कयो रे, मोहे पन घट नैनो से सूर किया रोशनी छीन लिया, नैनो से सूर किया रोशनी छून लिया, रोशनी छीन लिया, रोशनी लेके कैसे जाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को मैं किसी न किसी तरीके से मना लूंगी। लेकिन मैं कपड़े धुल के ले जाऊंगी तो मम्मी खुश हो जाएंगी,
पूछेंगी घड़ा का, मैं बता दूंगी फूट गया है, मैं दोबारा पानी भर लाऊंगी, लेकिन मैं कपड़े धुल लूं, कपड़े धुल लूं, नहीं मम्मी मुझे बहुत डांटेंगे।